ज्यादा मुझे पता नहीं है, बट वो कह रहा था कि लेवल 2 प्रोटेक्शन वाला जैकेट है ये। उसके साथ मैंने चेस्ट प्रोटेक्टर और बैक प्रोटेक्टर लिया। चेस्ट प्रोटेक्टर का कॉस्ट पड़ा 2500 का और बैक प्रोटेक्टर 3000 का पड़ा। सो दिस इज अल्पाइन स्टार SMX 1R बूट विच कॉस्ट मी 14,500 रुपीज। एंड दिस इज अल्पाइन स्टार ग्लव्स, GPX लेदर ग्लव, जो कि मुझे पड़ा था कुछ 14,500 रुपीज में। सो दीज आर ऑल माई गियर्स एंड बहुत सारे लोगों ने YouTube में कमेंट किया और मुझे बोला कि आप कौन सा जैकेट यूज करते हो, आप उसके बारे में बताओ, उसका रिव्यू बनाओ। आप सभी लोगों को पता है कि रिव्यू बनाने में मोहम्मद सलीम खान कितना कमजोर है। रिव्यू बना दे, रिव्यू बता दो, मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। जैकेट बहुत ही बढ़िया है, बहुत गर्म होता है,
हाँ उसका शोल्डर पैड और एल्बो पैड चेंज नहीं होता है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, और देखने में बड़ा मस्त लगता है। बात करते हैं बूट की। बूट ज़्यादा टाइम तक पहनूंगा तो पैरों में दर्द चालू हो जाता है, और उसको पहनकर अगर किसी के पैर में मैं मार दूं तो उसके पैर टूट सकते हैं। ग्लव्स बहुत अनकंफर्टेबल है, राइड करने ठीक से होता नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। और हाँ, उसको पहन के अगर किसी के थोबड़े में मार दूं तो उसका बत्ती सी टूट सकता है। सी जैकेट का कैसा रिव्यू बनाते मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने रिव्यू बनाया है, तो मैं ये कहूंगा कि यार जो लोग रिव्यू बनाने में एक्सपर्ट हैं आप उनसे रिव्यू जाने तो अच्छा रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अभी तक मैं गिरा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि वो जैकेट कितना काम करता है, बट बोला गया है कि लेवल 2 प्रोटेक्शन है, अच्छा जैकेट है, इसलिए मैंने लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो जैकेट का इन्फॉर्मेशन देने वाला पार्ट था, मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि कौन सा मैं जैकेट यूज़ करता हूँ, लेकिन सिंपली कैमरे के सामने आके जैकेट पकड़ के या फिर पहन के मैं आपको दिखा दूं कि देखो ऐसा है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ अलग तरीके से करूँ, कुछ क्रिएटिव करूँ, तो मैंने सोचा कि चल यार कुछ सिनेमैटिक शॉट्स बनाते हैं इसका, थोड़ा सा करने में भी मज़ा आएगा, आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। मैं और मेरा भाई समीर का चैनल को जाके देखो यार, वो बंदा बहुत मेहनती है, जाओ सब्सक्राइब करो, बताओ कि MSK व्लॉग्स की तरफ से आए हो, बंदे को सब्सक्राइब करो यार, बंदा मेहनती है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये ऐसा कुछ वीडियो बनाऊं, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता था, मैं 3 दिन लगातार अलार्म लगाया, उठ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, अरे व्लॉग कैसे बनाएं? जिस दिन मुझे शूट करना था उस दिन मैं रात को सोया ही नहीं, सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गया, समीर को उठा दिया, हम दोनों गए और हमने जाके शिवाजी पार्क जहाँ पे मेरा मीटअप हुआ था नरली बाग, उसके बाजू में जाके हमने ये शूट कर लिया। तो अच्छा लोकेशन था, लोग परेशान कर रहे थे थोड़े बहुत बीच बीच में आके, बट रिक्वेस्ट करके हो गया वो। तो मैंने ये इस तरह से अलग से शूट किया है और मैंने इसको अलग से कलर ग्रेड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन कॉमेंट नहीं करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा। अगर ये जैसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो देखने में अच्छा लग रहा है, अगर आपको भी ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, जस्ट लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ कलर ग्रेडिंग कैसा लगा, शॉट्स कैसे लगे, इसमें मैंने बीट इफेक्ट पहली बार डाला है, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है देन मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊंगा, अपना इनिशिएटिव दूंगा मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली मुंबई में जितने भी मोटो व्लॉगर्स हैं उनको लेके एक अच्छा सा सिनेमैटिक शॉट लेके एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, लाइक व्हाई वी राइड, व्हाई वी डू मोटो व्लॉगिंग, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन माय हेड, एंड डेफिनेटली आई वुड मेक लाइक कुछ ऐसा फाड़ू, मतलब ढासू फाड़ू अंगार। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर बताइए आप। एंड यार मैं बहुत खुश हूँ कि यार इतने सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे रोज मैसेज आते हैं, 10-15 मैसेज मुझे रोज आते हैं, कहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को। मैं यही कहूँगा कि यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, आपको टैग करना है टैग करो, जो करना है करो, लेकिन इसको प्रमोट करो। थोड़ा सा सेल्फिश लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा, बोलना पड़ता है यार, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करे, 100K तक पहुंचे, तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है। सो डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द थम्स अप बटन, बताइए कैसा लगा आपको, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून एट द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। Boom. Watch me do me. Back in this bitch like the second coming of Christ. Heard these rapper shit, so I'm coming in with wipes. Your girl gave me head, she gave my dick lice. But I ain't pissed, bitch, cause she let me hit it twice. Radic's an addict and rapping is my vice. I'm like a cracker when I'm spitting on the mic. Bitch, I ain't a plumber, but I'm surrounded by pipes. And if you're standing next to me, I bet I'll get you hard. Yup. We crackin' cigarettes. Wanna see my dick reach where your liver ends? Yeah, I'm fuckin' the church, you get the preacher pass. The pussy steak, so I fuckin' with a